सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा क्या कुछ है डियर गाइस, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, राशियां मैं इसमें बताऊंगी। तो राशि आप बेसिस पर है ये, तो आप देख सकते हैं राशि। मून साइन पर आप देख सकते हैं, मतलब मून साइन से देख सकते हो आपका खुद के पर्सन की राशि, मून साइन या वीनस साइन है ना, या फिर आप नेम राशि से आप देख सकते हो। तो चलिए, ये क्लियर हो चुका है। तो अभी देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आज की रीडिंग में पूरी की पूरी थर्ड पार्टी बेस पर करने जा रही हूँ। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है, आपके रिश्ते में है, और थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब तक जाएगी पूरी तरीके से, इस चीज को देखेंगे आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। थर्ड पार्टी बेस रीडिंग करने जा रही हूँ, आप कॉन्टेक्ट में हो या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करेंगे। सेकेंडली, रिश्ता आपके पर्सन के साथ कोई भी हो सकता है, शादीशुदा हो सकते हो, कोई लव मैरिज हो, लव रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। बट थर्ड पार्टी अगर है तो ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, दूसरी चीज देखेंगे कि थर्ड पार्टी और पर्सन की रिलेशनशिप का सच क्या है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहकर खुश हैं, क्या उनकी लाइफ में खुशियां हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्या कुछ है थर्ड पार्टी की एनर्जीज उनके साथ, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, कार्ड को सफल कर लिया है और अब देखेंगे कार्ड में एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही सैड आ रहा है, देखो भाई फर्स्ट कार्ड ही सैड आ रहा है। अभी आप देखो कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एंजल साइन दे रही है, ठीक है। एंजल ने हमें क्या बताया, जब मैं इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी कर रही थी या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बोल रही थी, आपके पर्सन की एनर्जीज को बोल रही थी अभी इसी वक्त जस्ट नाउ, तब एंजल ने मुझे जो कार्ड दिया है, वो कार्ड में एंजल ने मुझे ये बताया है कार्ड को देखकर कि हाँ भाई, तुम जिस एनर्जीज निकाल रहे हो, जिसकी एनर्जीज को देख रहे हो, वो पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो अगर आपके पर्सन कांटेक्ट में है, या फिर हो सकता है कि आप लोग साथ ही में रहते हो, लिव इन में रहते हो, है ना, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आसपास रहते हो, एक ही कंपनी में जॉब करते हो, एक ही आसपास के हो आप, है ना, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इस वक्त, ये पर्सन मुझे काफ़ी सैड दिख रहा है। तो ये पर्सन मुझे काफ़ी सैड दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर अपसेट है, और हो सकता है कि आपके बीच में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ज़्यादातर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका ये पर्सन, मतलब जो भी इंसान है जिसके बारे में आपने नाम लिया होगा, डेफिनेटली नहीं लिया तो अभी भी ले लो, क्योंकि ये पर्सन की उदासी को देख कर साफ समझ में आ रहा है कि ये खुश नहीं है अभी इस वक्त, है ना। कोई फैसला हो सकता है थर्ड पार्टी ने अपना इनके ऊपर डाल दिया हो, कोई ऐसा डिसीजन हो जो थर्ड पार्टी ने ले लिया हो, इन्हें सुना दिया हो और ये मजबूर हो गए हो, वो फैसला इन्होंने आपको सुना दिया हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो सकती है थर्ड पार्टी, बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में हो सकती है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं फाइव ऑफ कप्स में, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये इस वक्त कहीं ना कहीं सोच बहुत कुछ रहे हैं, और इनका जो एक्शन है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज है, तो नेगेटिव एनर्जीज में क्या होता है कि पर्सन अगर एक्शन भी लेना चाहेंगे तो कार्ड यहाँ पर यही आएगा कि भाई वो इमोशनल है। तो साउंड जो मिल रही है मुझे इस वक्त, साइलेंस एनर्जीज की साउंड मिल रही है, एंड फोर ऑफ सोर्ड्स है, देखो फोर ऑफ सोर्ड्स है। तो मैरिड कपल आप हो सकते हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, या आपकी शादी हुई हो, और शादी हुई हो मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप हो, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पर, तो ये फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है। लेकिन इस वक्त
आपको तो मिस कर रही है, लेकिन काफी ज्यादा ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों से भी निकलना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, खुद की लाइफ में बहुत ही ज्यादा एनर्जी इनकी स्टक हो रही है, रुक रही है इनकी एनर्जी, और ये मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसी दिल की बात है जो आपके साथ रहकर भी आपको नहीं बता रहे हैं। मान लीजिए आप लॉन्ग डिस्टेंस, मान लीजिए आप नो कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट में है तब तो नहीं बता पा रहे। मान लीजिए थर्ड पार्टी या फैमिली की वजह से आप सेपरेशन में हो, इन्होंने बोल दिया हो कि अब हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, हम आगे नहीं रह पाएंगे साथ में, या कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो वो जो ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं या फिर जो झगड़ा आपसे कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये परेशान दिख रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, जो कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ कुछ बात ऐसी है जो आपसे छुपा लगातार रहे हैं, लेकिन आपके साथ बात नहीं होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड इस वक्त यही कह रहा है। पेंटिकल में है तो इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मतलब फाइनेंशियल हो सकता है कंडीशन खराब हो रही हो, काम में मन नहीं लग रहा हो, हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी इस कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आज की दिख रही है। तो अभी मैं आपकी खुद की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, आपकी खुद की एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन की राशियां बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर राशि है लिब्रा, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, और देखो यहाँ पर काफी कंट्रोलिंग एनर्जीज है। एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है ना कि एक्शन तो दिख रहा है लेकिन वो एक्शन बहुत ही मतलब स्लो हो रहा है, तो ये सिचुएशन हो रही है। एंड यहाँ पर सिंह, कैंसर, मेष राशि, कुंभ, वर्गो, कन्या, मतलब है ना राशि है यहाँ पर। सो, आपकी खुद की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं, आपकी खुद की एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पर तो थ्री ऑफ सोर्ड्स है और थर्ड पार्टी ना अपनी लाइफ में एकदम खुश दिख रही है। देखो थर्ड पार्टी एकदम खुश है और आपके पर्सन एकदम सैड है, मतलब थर्ड पार्टी की हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई हो सकता है कि पर्सन हो, या थर्ड पार्टी की फैमिली हो, थर्ड पार्टी अपनी फैमिली से गाइडेंस ले रही है, या उसकी लाइफ में कोई ऐसा हो जो गाइड कर रहा हो, है ना, उसको और वो गाइड कर रही है, कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन को। तो काफी सारी चीजें जुड़ी जुड़ी दिख रही हैं, बट थर्ड पार्टी की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है और आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, बट आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते उनसे। उनके कार्ड, आपके पर्सन की कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये कह रहे हैं आपसे कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे दूरियां बनाई, ये कह रहे हैं आपके पर्सन। इनके कार्ड को देखकर जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे दूरियां बनाई, मेरी गलती की, जो कर्मा होता है ना, कहते हैं कि कर्मा तो रिवर्स बैक होता ही है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी को अहमियत दी, आपसे ज्यादा फैमिली को अहमियत दी, है ना, आपसे बातें छुपाई थर्ड पार्टी की, फैमिली की, सबको सपोर्ट किया, बट आपसे प्यार करके रिश्ता रख के शादी के बाद भी आपके साथ वो रिश्ता नहीं निभाया। तो अब इनको कुछ ना कुछ अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा शर्मिंदा है और बहुत ही ज्यादा परेशान भी है, और गलती जो इनसे हुई है उन गलतियों की वजह से काफी ज्यादा ये परेशान है, जो सो भी नहीं पा रहे हैं, रात भर जागते रहते हैं, फीलिंग अलोन भी हो रही है क्योंकि अभी किससे बात करें, है ना, थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है। तो चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सेपरेशन में काफी परेशान दिख रहे हो आप, और एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि मैनिफेस्ट वो करते हैं ना आपको, तो आपको उनकी याद आती है, 24 आवर्स ही सोचते रहते हो मुझे लग रहा है आप तो। सेपरेशन में है आपके जो पर्सन है, और मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन ने काफी लंबे टाइम से आपसे बात नहीं की है ढंग से, है ना गाइज। निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखो मैंने आज भी सुबह एक वीडियो डाला था, अगर आप मेरे चैनल पर फॉलो करते हो, देखो निगेटिव एनर्जीज अगर है तो वो रिमूव हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली अपने माइंड को पॉजिटिव आपको रखना है, और दूसरी चीज अगर आपके रिलेशनशिप में स्टक हो रही है एनर्जीज कोई भी प्रॉब्लम से, तो आप उपाय करें, उपाय जो है वो बहुत बेहतर होते हैं, ठीक है। एनर्जी जितनी निगेटिव एनर्जीज है रिमूव होती हैं, तो उपाय आप कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, एनर्जीज को चेक करके उसके अकॉर्डिंग। देखो मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, आप में से जो लोग है मतलब कुछ नहीं ज्यादा जानते हैं, तो वो मेरे से बोल देते कि मैम हमें उपाय बता दो, सीधा उपाय,
मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखिए उपाय तो आपको मिलेंगे, और आज मैंने मतलब क्लाइंट के मैं रिव्यू भी डालती रहती हूँ ताकि आप उस चीज को देख सके, उपाय बिल्कुल दिए जाएंगे, बट एनर्जीज को बिना चेक करे उपाय कैसे करोगे आप, ये चीज को सोच के देखो। आप एनर्जीज को जब चेक करोगे देन आप उपाय करोगे, वो उपाय आपके साथ सीधा लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव ऊर्जा हो रही है, डार्क एनर्जीज हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उपाय कर सकते हैं, फीलिंग पॉजिटिव आपको लगेगा। जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी रिलेशनशिप में, करियर में, लव लाइफ में, वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी, है ना। तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझे, मुझसे व्हाट्सअप करें 9540119650। आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपकी लव लाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो आपका, पूरी तरीके से यहाँ पर मैं चेक करके ही उसको उपाय दूंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट, चिंतित हो और चिंतित नहीं रहना है, माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना है। सेकेंडली, इस वक्त बर्डन बहुत है आपके ऊपर, है ना। मुझे लग रहा है कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो आपको निभानी पड़ रही है, संभालनी पड़ रही है, समाज के सामने मुस्कुराना भी पड़ रहा है, बट अंदर ही अंदर रो रहे हो ऐसा लग रहा है। अभी तक आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक नहीं किया है, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट पर्सन है जो कि पूरी तरीके से बदल चुका है, बड़ा बदलाव उनके अंदर आया है, बहुत ही बड़ा चेंज आया है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव हो रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको वो एनर्जीज जो है ना, समटाइम्स क्या होता है ना कि मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ कि भाई पॉजिटिव रहो, भाई पॉजिटिव रहो, है ना। तो पॉजिटिविटी से बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में झगड़े दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पर्सन जो सैड एनर्जीज में है तो वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और वो दिन याद करते हैं जो वो आपके साथ रहा करते थे, जिन दिनों में आपका प्यार होता था, एक दूसरे के साथ आप शेयर करते थे अपनी फीलिंग्स, अपनी होता ना मतलब एक केयरिंग लविंग एनर्जीज को शेयर करते। सो यहाँ पर सैड एनर्जीज में आ रहे हैं आपके पर्सन, एंड आपकी एनर्जीज खुद भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी लग रही है जैसे चिंतित हो, चिंता करते हो, स्ट्रेस बहुत करते हो, काम में मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है आपका। फ्यूचर तो दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, लेकिन ये एनर्जी स्टक हो रही है, बार बार रुक रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप कि आपके लाइफ में सब कुछ हो, पॉजिटिव रहें, और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड टेक केयर, बाय बाय।